ये है हीरो की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है स्प्लेंडर प्लस। तो गाइस आज हम इस बाइक के ऊपर वीडियो करने वाले हैं और जानेंगे कि इसकी ऑन रोड प्राइस और न्यू 5 अपडेट जो हीरो कंपनी की है इसमें क्या क्या आपको न्यू फीचर्स और न्यू प्राइस क्या हुई है इस मॉडल्स की। फिर इसकी कलर की बात करूँ तो गाइस कलर काफ़ी ज़बरदस्त है। स्प्लेंडर दो वेरियंट में आते हैं, एक एक्स्ट्रेक और एक सिंपल। ये आपको सिंपल है। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो करने वाले हैं हीरो की है स्प्लेंडर प्लस न्यू मॉडल और न्यू कलर के ऊपर। तो गाइस ये है 2024 की सबसे लेटेस्ट मॉडल स्प्लेंडर प्लस E20 जो कि अभी फ़िलहाल ही मेरी लॉन्च हुई है और इसमें आपको न्यू कलर मिलते हैं। इसकी डेट ऑफ सेल दिखा देते हैं, जो कि डेट ऑफ परचेज सॉरी, जो कि सबसे न्यू और सबसे लेटेस्ट है। इसकी साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो गाइस कुछ इस टाइप से आपको साइड प्रोफाइल आपको दिख जाएंगे। कलर की बात करूँ तो गाइस कलर काफ़ी ज़बरदस्त आपको दिखने वाले हैं। ये जो कि ब्लैक पे ब्लू स्टिकर के साथ लाई है, ग्रे के साथ आती है, रेड के साथ आती है और ब्लू के साथ आती है। ब्लू में काफ़ी ज़बरदस्त इसकी फ्यूल टैंक दिख रही है जो कि दूर से कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। और यहाँ पे आपको 3D लोगो मिल जाती है, स्प्लेंडर प्लस लिखा हुआ टेल पैनल पे। पीछे की ओर आएंगे तो आपको हाई पावर की शॉकर और सस्पेंशन जो कि इस बाइक के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है ये। और रियर में आपको स्प्लेंडर प्लस टेल पैनल पे कुछ इस टाइप से स्प्लेंडर प्लस की स्टिकर मिल जाती है ब्लैक ब्लू, जो कि इस कलर में सबसे ज़बरदस्त दिख रही है बाइक। और पीछे में शॉकर सस्पेंशन हाई पावर की मिल जाती है। ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाते हैं जो कि 8018 और पहले वाली स्प्लेंडर से इसमें आपको टायर थोड़ी मोटी दिखेगी जो कि इसकी ग्रिप है ना, पहले वाली पतली होती थी, इससे कुछ मोटा इसका ग्रिप दिखने वाला है आपको। और इस साइड से आएंगे तो गाइस इसकी कुछ इस टाइप की साइड प्रोफाइल होने वाली है। कलर काफ़ी ज़बरदस्त और 100cc की ये बाइक है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक हीरो कंपनी की है। फ्रंट के लुक में आपको काफ़ी चेंजिंग आपको मिलने वाले हैं जो कि इस एक्सट्रेक में आपको यहाँ पे DRL लाइट होती है, इसमें आपको DRL लाइट नहीं मिलने वाले हैं। नॉर्मल स्प्लेंडर प्लस की स्टिकर और काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे स्प्लेंडर प्लस की ब्लू स्टिकर मिल जाती है जो कि काफ़ी खूबसूरत दिख रही है बाइक। इसमें गाइस आपको मिलते हैं 3 मोड और 2 मॉडल, एक आती है एक्सट्रेक वेरिएंट और एक आती है एक नॉर्मल वेरिएंट। नॉर्मल वेरिएंट में आपको सारी फीचर्स कुछ इस टाइप से मिलते हैं जो कि इसमें डिजिटल मीटर नहीं मिलते, उसमें डिजिटल मीटर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है इसमें नहीं मिलते। स्टार्ट करने के लिए आपको 3 मोड मिल जाते हैं, सेल्फ, I3S विथ किक। फ्यूल टैंक पे आएंगे तो E20 सबसे लेटेस्ट मॉडल इसकी जो कि सबसे टॉप वेरिएंट है ये स्प्लेंडर की E20। और इसमें आपको 9.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी होती है। नीचे की ओर आएंगे तो फ्यूल इंजन इंजेक्टर सिस्टम यह बाइक होती है जो कि FI के नाम से हम लोग जानते हैं। और फ्यूल इंजन इंजेक्टर सिस्टम होती है जो कि टंकी में आपको मोटर मिलते हैं इस बाइक में। हीरो की यहाँ पे लोगो मिलते हैं, 97.2 cc की इंजन और 6000 टर्क्यू पावर और 8000 इसकी मैक्सिमम RPM होती है जो कि इस बाइक के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है ये। और फ्रंट और रियर दोनों ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाते हैं कॉम्बो ब्रेक के साथ, जो कि पीछे वाले ब्रेक पुश करेंगे तो आपको आगे पीछे दोनों लगेंगे। फेंडर पर DRL लाइट होती है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लुक देती है। यहाँ पे आएंगे तो चार्जिंग सिस्टम USB चार्जिंग सिस्टम भी आपको मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे केबल डाल के चार्ज कर सकते हैं, ये होती है USB चार्जर। और यहाँ पे स्टैंड लाइट कट ऑफ जो कि हीरो की 100cc बाइक में आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि 100cc बाइक में और इतनी कम प्राइस में इससे ज़्यादा फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं किसी भी बाइक में। हेडलाइट की बात करूँ तो गाइस हेडलाइट आपको सिंपल मिलने वाले हैं, 12 वाट की इसकी बॉल होती है जो कि नॉर्मल बॉल होते हैं। फ्रंट की लुक कुछ इस टाइप से आपको दिख रहा है और फ्रंट में शॉकर हाई पावर की होती है, इंडिकेटर पीला जो कि 10 वाट की इसमें बॉल यूज होती है। और कॉम्बो ब्रेक की बात करूँ तो गाइस ये होती है कॉम्बो ब्रेक जो कि पीछे वाले ब्रेक यहाँ से पुश करेंगे तो आगे पीछे दोनों काम करेंगे जो कि एक्सीडेंट मोड पे काफ़ी ज़बरदस्त काम करती है। और इसके बाद प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस होती है 93,000 ऑन रोड और इसमें आपको एक्सट्रेक जो वेरियंट आती है डिजिटल उसकी होती है 97,000 ऑन रोड प्राइस, जो कि 3,000 के अंतर 4,000 के अंतर में आपको डिजिटल मीटर मिल जाएंगे। उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, बाकी सेम फीचर्स इंजन से लेके सारे फीचर्स सेम रहते हैं। इसकी कलर की बात करूँ तो गाइस इसमें आपको 4 कलर मिलने वाले हैं, ये है ब्लैक ब्लू, ब्लैक सिल्वर और ब्लैक रेड।
जो कि आपको चार कलर में अवेलेबल हो जाएंगे, स्प्लेंडर प्लस, और ये है काफ़ी ज़बरदस्त और यूनिक कलर हीरो की है, स्प्लेंडर प्लस न्यू जो कि आपको दिख रहा है। सारी फीचर्स आपको इस बाइक की सेम मिलती है, सारी स्प्लेंडर के फीचर्स आपको सेम मिलती है जो कि कोई चेंजिंग नहीं होती है। और P20 है, कलर की चेंजिंग होती है, कलर से भी प्राइस को चेंजिंग नहीं होती। जैसे आप परचेज करना चाहेंगे ब्लैक सिल्वर, उसका भी इतना ही प्राइस देना होगा। और साथ में स्टैंड लाइट कट ऑफ, जो कि हीरो की सारी बाइक में आपको स्टैंड लाइट कट ऑफ मिल जाते हैं, जो कि बाइक साइड स्टैंड पर खड़ी रहेगी गियर में तो आपको स्टार्ट नहीं होगा। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।